अच्छा, डिसीजंस और ज़्यादा चेंजेस जो और हो रही हैं, वो एक और डिसीजन सामने आया कि नहीं जी, अब फिर से एक दफ़ा तब्दीली होगी, पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोकबूरा की बॉल यूज़ नहीं होगी और ड्यूक की तरफ मूव ऑन किया जाएगा, और ड्यूक भी नॉट जस्ट ड्यूक, कस्टमाइज ड्यूक की तरफ जाया जाएगा, जिसमें सीम को थोड़ा सा दबवाने की बात की गई है ड्यूक की, और लेकर कम करने की बात की गई। रऊफ, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि व्यूवर्स को थोड़ा सा हम डिफरेंस कोकबूरा और ड्यूक में बता दें कि क्यों ऐसा सोचा, और ये भी शायद ये क्या ये भी गिविंग आउट अ लॉलीपॉप है लोगों को, आवाम को, कि हम कुछ कर रहे हैं डोमेस्टिक में, या इससे फ़र्क पड़ेगा। सो अगर हम सबसे पहले कोकबूरा और ड्यूक की बॉल दिखा दें स्क्रीन पर, और आप अगर रऊफ इस पर कुछ हमें डिफरेंस बता सकें, फ़र्क पड़ेगा हमारे फास्ट बॉलर्स को, क्या फ़ायदा होगा इससे, हमारे स्पिनर्स को इस चेंज से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, मैं तो जाऊंगा पाकिस्तान की जो बनी हुई बोलें, क्योंकि जब तक आप अपने जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग नहीं देंगे, उसको मेरा ख्याल है कि फायदा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका वर्ल्ड को मीट करना, क्योंकि यही आपकी इंडस्ट्री है सियालकोट की, जो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल बनाती है, उसके बाद हॉकी की स्टिक्स बनाती हैं, क्रिकेट की बॉल्स भी बनाते रहे हैं, और अब आप, मेरा ख्याल है कि इनको ही आपको बताना चाहिए था कि हमें ये बॉल चाहिए, क्योंकि हम एक लंबा अरसा पिछले 70 साल तक जी। हम जो ये जो हमारी बॉल एक होती थी ग्रेज की बॉल के साथ खेलते रहे, उसके बाद एसलिन की एक बॉल आ गई उसके साथ खेलते रहे, और उस बॉल के साथ देखिए हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा हुए क्रिकेट के, इमरान खान, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, सलीम मलिक बड़े, और फास्ट बॉलिंग में हमेशा पाकिस्तान हमेशा टॉप पे रहा। इसका मतलब है कि बॉल में फॉल्ट नहीं था, ये हमारे माइंड में फॉल्ट है कि अभी हम कॉपी करने चले गए, हम सारा सिस्टम बाहर से मंगवा रहे हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब कभी कव्वा चला हंस की चाल, हंस की चाल भी चाल भी बोल रहा है। अब देखिए ये जो लास्ट सीजन है उसमें ये कोकबूरा की बॉल इस्तेमाल हुई है। अब कोकबूरा का बॉल देखें ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है, ये बनता भी ऑस्ट्रेलिया में और यूज़ भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉयल हार्ड होती है, पिचेस हार्ड होती हैं, उनको अच्छे तरीके से पिचों को बनाना आता है, मट्टी उनकी सख्त होती है, और फिर वहाँ पर वो ग्रास रख के बनाते हैं ताकि बाउंस हो। इसमें यह क्या होता है कि जो हमारी ग्रेज की बॉल थी उसमें और कोकबूरा में जी, ग्रेज की बॉल जो हैंडमेड बॉल थी उसमें सिलाई थोड़ी सी बाहर होती थी जो पाकिस्तान की पिचेस पे सूट करती थी, क्योंकि यहाँ पे डेड पिच है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल नहीं आता, स्पिनर्स भी हमारे अच्छे हैं, तो स्पिनर्स भी उसको यूटिलाइज कर सकते थे, सीम बॉलर्स भी। ठीक है, बाज दफा अगर आपसे पिच अच्छी नहीं बनती थी, इस पे बहुत ज्यादा आप घास छोड़ देते थे या मॉइस्चर डाल देते थे, तो वो बैट्समैन को थोड़ा तंग करती थी। मगर जब कोकबूरा आपने बॉल इस्तेमाल की है जो ऑस्ट्रेलियंस इस्तेमाल करते हैं हार्ड और बाउंसी पिचेस पर, तो आपको फिर पिचें वैसी तैयार करनी चाहिए थी, आपको हार्ड पिचें होनी चाहिए ताकि वो बॉल आपके ऊपर जाके कैरी करे और बैट्समैन को भी फायदा हो, बॉलर को भी हो। हुआ क्या है, लास्ट इन्होंने 5 टीमों का जो एक्सपेरिमेंट किया ऑस्ट्रेलिया वाला और फिर कोकबूरा का बॉल लेके आए, उसमें कोकबूरा यूज हुआ है, 99% आपके मैचेस ड्रा हुए हैं, आपके बैट्समैनों के लिए एक पैराडाइज बन गया, 600-700 रन होते रहे सेंचुरियों के अंबार, बॉलर्स आपके जो 50-60% बॉलर्स अनफिट हो गए, स्पिनर्स आपके विकेट नहीं ले सके और फास्ट बॉलर इस काबिल नहीं रहे कि उनकी बॉल पीछे कैरी हो। उसका रिजल्ट क्या निकला, ना आपने कोई फास्ट बॉलर पैदा किया, ना आपके पास कोई अच्छा स्पिनर, अभी आप बगैर टेस्ट मैच खेल रहे हैं बगैर स्पिनर के, ठीक है। अभी वहां से आप आ गए हैं ड्यूक की बॉल पे, वो आपका एक्सपेरिमेंट नाकाम होगा कोकबूरा का, किसी ने बताया कि नहीं ये नहीं, अब थोड़ी सी लर्निंग बाय डूइंग किए जा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सीम बाहर होती है तो हम पीछे क्योंकि उसके मुताबिक नहीं बना सके तो ये चल जाएगी बॉल। अब उसका रिजल्ट भी वही निकलेगा, क्योंकि ये बॉलें कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होगी, ये इंग्लैंड में इस्तेमाल होगी, यहाँ पे सीमिंग कंडीशन होती हैं, पिचेज अच्छी होती हैं, थोड़ा सा घास छोड़ के बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर फैसला हो कि पिच पे आप ड्यूक की बॉल लगाएंगे तो उसका जो ऊपर वो सारे का सारा वो रफ हो जाएगा, तो वो तो 5 ओवर के बाद वो आपका रिवर्स में सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बजाय के जिस तरह आपने बात किया कि कव्वा चला हंस की चाल, जिस तरह इंडिया में एक रीडर्स का बॉल इस्तेमाल होता है, एसजी का बॉल बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो हार्ड पिचें नहीं बना सकते, हमारी पिचों में बाउंस कम है, बैटिंग फ्रेंडली है, तो उसमें हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी जो फिंगर्स में इसकी सीम आ जाएगी, तो वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाहर से जितनी भी टीमें आती हैं उनको वो जाल में फंसा लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, नीचे डोमेस्टिक में भी चलाते हैं। बिल्कुल, हम अभी तक ना अपना डोमेस्टिक सिस्टम बनाने में कामयाब हुए हैं,
ना हम ग्राउंड और ना ही हम बॉल कि कौन सी बॉल हमें अपनी पिच पे इस्तेमाल करनी है। हम जो है हर चीज में जो है कहीं ना कहीं मेन में देख रहे हैं एक्सेप्ट आवर माइंडसेट, पिच ऐसी तो बॉल ऐसी। आपको लगता है ये कोकोबुरा से ड्यूक पे आने पे कोई फर्क पड़ेगा? हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स, हमारे हीरोज निकलना शुरू हो जाएंगे और अच्छे खिलाड़ी आने लगेंगे? सोहराब, मुझे इतना पता है कि हमारे जो पाकिस्तान के हीरो बने हैं ना जी, वो इन चीज़ों से नहीं बने कि ये बॉल आ जाए, ये सिस्टम आ जाए, ये क्रिकेट का ये नाम रख दें, वो नाम रख दें। वो आए हैं वो सिस्टम से जो 40-45 साल वो चला है, डिवीजन जो बनी थी। और आप देखिए वहाँ से प्लेयर कितने बड़े बड़े नाम के आए हैं। ये राउफ ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया बॉल का। ये मैं हंसता हूँ कि कोई भी बोर्ड आता है ना सीजन में, कभी कोकोबुरा लग रही होती है, कभी ड्यूक लग रही होती है, इस पे डिबेट चल रही होती है। दुनिया में जहां कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है ना, इंडिया में एसजी का बोल लगता है, कितने अरसे से लगता हुआ आ रहा है। इंग्लैंड में ड्यूक का लगता है, ऑस्ट्रेलिया में कोकोबुरा लगता है, वेस्ट इंडीज में ड्यूक का लगता है। वो हम लोग अपना ग्रेस का बॉल, इसका बॉल क्यों नहीं यूज करते? हम लोग वो क्रिकेट खेले हुए, उन बॉल के साथ खेले हुए इतनी ज्यादा। वो आपका बॉल फास्ट बॉलर्स भी बनाता है, बैट्समैन भी तगड़े करता है, और हमारी पिचेस के लिए बड़ा जबरदस्त है। फिर हमारी सियालकोट की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उनको हम लोग कैसे नहीं कामयाब बनाए? दुनिया में फुटबॉल होता है, वर्ल्ड कप होता है तो सियालकोट से जाता है, और क्रिकेट है हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हम लोग अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते, अपने ब्रांड को क्यों नहीं प्रमोट करते? तो ये सबसे बड़ी नाकामी। आप देखे बोर्ड में बंदे बाहर से आ रहे हैं, और क्रिकेट में भी वो बाहर वालों को बिजनेस दे रहे हैं, अपनों को नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हम लोगों को बड़ा नाम सोचना पड़ेगा कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम चेंज करके चैंपियन नहीं बनना, ना बन सकते हैं। हम लोगों को कंसिस्टेंट एक क्रिकेट करवानी पड़ेगी, एक सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। अलमिया ये है पाकिस्तान का, कोई भी आता है, जैसे राउफ ने कहा, हम भी कहते रहते हैं जो कोई भी बोर्ड नया आता है वो सिस्टम चेंज कर देता है, डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज कर देता है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि क्रिकेट के जो साइंसदान है ना वो बहुत हैं, आता उनको कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के ही है कि हमारा नाम बन जाए, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान होता है। अब लेट्स सी कि चेयरमैन साहब तो अभी आए हैं, जो जैसे राउफ ने बड़ा जबरदस्त वैलिड पॉइंट रेज किया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो 4-5 साल पहले अनाउंस होगी हुई थी, बिल्कुल। तो ये 4 महीने पहले आप सारी चीजें तोड़ रहे हैं, आपको पहले ख्याल नहीं है। ये हमारे स्टेडियम वो हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ है, जहाँ पे एशिया कप होते रहे हैं, तो आज उनको कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। छोटी मोटी चीजें आप टाइमली करवाते रहते हैं कि इतना बड़ा मेजर आप डेंटिंग पेंटिंग ना करनी पड़े। तो ये अलमिया जो बोर्ड में वही बंदे हैं, सिर्फ चेयरमैन चेंज होते हैं। तो इस चेयरमैन साहब ने आगे काम किया, तो बाकी चेयरमैनों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इस तरफ सोच नहीं गई थी कि हमने ये टाइमली इस पे बात नहीं आने देनी। इतना बड़ा इन्होंने स्टेडियम रेनोवेशन पे लगा दिया, क्या 4 महीने में हो जाएगा कंप्लीट? बहुत मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे करेंगे। एक महीना पहले आपने हैंड ओवर करना आईसीसी को, उन्होंने विजिट करना, वो सारी चीजें तैयार होंगी। लेट्स सी, अल्लाह करे हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान का बहुत मजाक बनेगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। और डोमेस्टिक क्रिकेट आपको ये देखें, ये सवेरा ये सिर्फ अवाम को जो नहीं ना समझते बेचारे, सिर्फ वो क्रेजी है क्रिकेट के, पाकिस्तान के, दुनिया में, सिर्फ ये उनको खुश करते हैं, वो बेचारे खुश हो जाएं। लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं वो मेरे ख्याल से हम जैसों को नहीं दूसरी तरफ लगा सकते, अपनी तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने ये सारा टाइम देखा है, ये सारी क्रिकेट देखी है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजीद नीचे जाएगा। हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया में अकेडमी की टीमों से हमारी ए टीमें आ रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, हाल बुरा हुआ हुआ है सबके, आपने लाइकिंग अपनी सीटें बचाने के चक्करों में इसको खिला लो उसको खिला लो। एक प्रोसेस जब तक आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आज दुनिया में 3-4 टीमें डोमिनेट कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इसलिए कर रही हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट, ग्रास रूट, स्कूल, क्लब क्रिकेट और अपनी डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, बिल्कुल। तो इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक तरफ लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मसला है। और रुफ, सबसे बड़ा मसला ये है कि जितना जो एक तो सबसे पहले अपग्रेडेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि इतने 11 तार पे अपग्रेडेशन का क्यों ख्याल आया? आई रिमेंबर 2011 में जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था वर्ल्ड कप और फिर एक किसी इंसिडेंट की वजह से जो हम नहीं कर सके थे होस्ट, 2007 से काम शुरू हो गया था स्टेडियम्स के ऊपर, यानी इतने टाइम पहले से काम शुरू कर दिया था स्टेडियम्स को उस हिसाब से अपग्रेड करने के लिए। एक तो ये कि हम बहुत 11 तार पे पहुंच गए हैं,
सो वो तो ये ब्लेम जाता है, बिकॉज आलिया रशीद साहिबा आई थी हमारे शो पे, उन्होंने यही कहा कि मैं तो मुसलसल पुश करती रही कि कुछ स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे काम शुरू करें. एक जका अशरफ साहब के टाइम पे एक साइन हुआ था, वो था जो रावलपिंडी में कुर्सियाँ लगनी है उसका. सो आपको लगता है कि ये चीज़ें हम मैनेज प्रॉपर नहीं कर सकें और चैम्पियंस ट्रॉफी ऐसा ना हो कि फैसिलिटीज़ की वजह से हमारे हाथ से छिन जाए? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है, क्योंकि आप एट द निक ऑफ द टाइम आप किस तरीके से इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं कि आप सारी रेनोवेशन करवाएं. अब ये बांग्लादेश की टीम आई हुई है, आपका एक टेस्ट मैच वहाँ पर शेड्यूल है कराची में, और फिर आपकी प्रिपरेशन इस काबिल नहीं है कि आप वहाँ पर टेस्ट मैच करा सकें. पहले आप कह रहे हैं कि हम बगैर तमाशाइयों के करवाएंगे, और फिर इस फिर वो भी आप नहीं मैनेज कर सके, और फिर वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा आपको रावलपिंडी में. तो इसमें देखें कि वो बार बार आप जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड हैं, इवन आप पीछे वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, आपने देख लिया वहाँ पे सारा सिस्टम. आईपीएल से जितने फंड जनरेट होते हैं या जितना भी पैसा आईसीसी से वहाँ पर आता है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता नजर आता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आप आईसीसी में अच्छा खासा शेयर मिलता है और काफी अरसे से मिल रहा है. तो फोर्थ हाईएस्ट शेयर जी बिल्कुल मिल रहा है. और उसके बाद फिर वो पैसा जाता है किधर, इसका ऑडिट ही कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है. फिर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो थर्ड क्लास तरीन गवर्निंग बोर्ड है, जो गवर्निंग बोर्ड आप क्योंकि मुकम्मल होने नहीं देते, क्योंकि चेयरमैन को वोट चाहिए होता है, चेयरमैन को अपनी वो सारा सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए होता है. कोई भी आता है चेयरमैन, पिछले 20 साल से यही खेल चल रहा है वहाँ पर, तो स्टैब्लिश उसमें होने ही नहीं दिया, क्योंकि बेसिक जो बड़ी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ये सारी गवर्निंग बोर्ड में डिसीजन होने होती हैं इसकी. आपने किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, किसी को कोच अपॉइंट करना है, कोई टीम सिलेक्शन का चेयरमैन अपॉइंट करना, उसके बाद आपके डोमेस्टिक के या इंटरनेशनल के, और फिर स्टेडियम्स की रेनोवेशन, स्टेडियम की नई तामीर मरम्मत इनकी, और जो भी सारा सिस्टम है वो आपके गवर्निंग बोर्ड में ये चीजें डिसाइड होनी होती है. गवर्निंग बोर्ड के लोग तो पपेट्स हैं, सॉरी टू से, वो सिर्फ यस बॉस हैं, कोई ना कॉन्फ्लिक्ट आता है, यस बॉस उनको बनाया गया है, कुछ स्ट्रांग आने ही नहीं देते ना. अब देखिए अभी करंट गवर्निंग बोर्ड है, देखिए होना क्या चाहिए, आपके स्ट्रांगेस्ट जो रीजन है वो टॉप के रीजन वो गवर्निंग बोर्ड में होने चाहिए, आपके सारे बॉटम के रीजन यहाँ पर सूरन तो ऐसे ही होना चाहिए, मगर हम उसी पे लगे हुए कि राउंड क्या लग रहा है, कोटा क्या बनेगा, जी पिछली दफा ये बने थे. कामरान, जाते जाते एक जरूरी चीज, जैसे नसीम शाह ने कहा टीम में जो भी सारे इख्तलाफ थे क्या थे, हमें पुरानी बातें छोड़ के अब जेलिन होके खेलना पड़ेगा, पुरानी बातों से सीखना पड़ेगा, आपने भी उसके ऊपर रिप्लाई किया था, क्या क्या टेक है आपकी नसीम के इस स्टेटमेंट पर? देखिए सवेरा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर ऐसी बात करे, टीम में कुछ ना कुछ है तो उसने ऐसी बात की है, तो मेरे ख्याल से बड़ा सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए. लग रहा है जो वर्ल्ड कप में जो मीडिया पे बातें चल रही है वो अभी तक दिलों में है, अभी दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए नसीम ने ये बात की है, तो मेरे लिए क्या सबके लिए सरप्राइज है, और ऐसा टीम में होना नहीं चाहिए, और इस पे मेरे ख्याल से नुकसान कंट्री का, पाकिस्तान टीम का है. तो कोई भी प्लेयर हो ना तो वो कहता है कि हम यूनिटी की तरह खेलते हैं, कोई भी आके प्लेयर है ये नहीं कहता कि हमें एक टीम होके खेलना पड़ेगा, ये इसका मतलब है कुछ ना कुछ टीम में है. और दूसरा, जाते जाते ये मैं बात कर दूं जल्दी से, ये कितना बड़ा मजाक बनेगा अब कि कराची में टेस्ट मैच हो रहा है, क्या हमारे शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, क्या यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं शिफ्ट हो सकता है? क्या इनकी रेनोवेशन किसने करनी है? सिर्फ 2-3 स्टेडियम है, 10-12 स्टेडियम क्यों नहीं बन सकते? इंडिया में 36-37 स्टेडियम है, हम लोग 2-3 स्टेडियम की तरफ सिर्फ ध्यान रखा हुआ. कामरान, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, हमारे जितने टेस्ट सेंटर में श्रिंक होते होते टेस्ट सेंटर्स खत्म हो गए हैं. फैसलाबाद के टेस्ट सेंटर के हवाले से कल हम आपको बिल्कुल अपडेट देंगे कि फैसलाबाद सेंटर और शेखपुरा टेस्ट सेंटर का क्या हालत है और क्या हालात है, वहां क्रिकेट खेली भी जा सकती है कि नहीं खेली जा सकती.